अभी जैसा रमेश जी ने फोन किया था, वो प्रश्न किया था ना, उपकारी का बदला हम कैसे चुकाएं? उपकारी का बदला हम चुकाएं कि हम उनकी खुशी में, उनकी खुशी को हम इतनी ऊंचाइयां दे दें जितनी वो खुद नहीं दे पाए, उनकी प्रभावना को हम इतनी बढ़ा दें कि वो खुद नहीं कर पाए, वो खुद भी नहीं कर पाए हो, जिनका हमारे ऊपर उपकार हुआ हो उनकी प्रभावना हम इतनी बढ़ाएं कि वे खुद भी उतनी प्रभावना ना कर पाए हों जितनी कि जिसके ऊपर उपकार किया है वो कर दे। ये सबसे बड़ी विशेषता है, जिन जिन के हमारे ऊपर उपकार हैं हम उनकी वो प्रभावना करेंगे, वो यश फैलाएंगे जो वो खुद भी नहीं कर पाए हों, स्वयं भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हों जहां तक वो पहुंचा दे। जैसे कि अभी देखे लाइव टेलीकास्ट चलाते हैं, अब मुनि महाराज का प्रवचन कहां तक पहुंच सकता है? पंडाल तक, माइक लगा दो नगर तक, लेकिन जहां तक मुनिराज अपनी प्रवाणी नहीं पहुंचा रहे वहां ये लाइव वाले पहुंचा रहे हैं। ये है इनकी भक्ति समर्थ। कितने बड़ा माइक लगा दो हम अपनी वाणी विदेश तक नहीं पहुंचा सकते, नगर से बाहर भी। तो अब देखो जहां महाराज नहीं पहुंच पा रहे वहां महाराज का प्रवचन पहुंचा रहे, ये कितना बड़ा उपकारी का फल है। तो कल आदिनाथ भगवान हमारे जगत के बहुत बड़े उपकारी हैं, उनका उपकार यही है कि हम उनको इतनी खुशी, इतनी उस पर खुशी को इजहार करें कि भली वो पंचम काल तक वो नहीं आ पाए, पंचम काल तक वो जीवित नहीं रह पाए, लेकिन हम भक्त जिंदा हैं उनको आज भी जयकारा लगाकर उनको जीवित कर दें। आदिनाथ पंचम काल तक जीवित नहीं रह पाए, उसी समय चले गए तीसरे काल में, लेकिन हम अपन चाहें तो आज उनको हम जीवित कर सकते हैं। आदिनाथ भगवान के रहते हुए जो कार्य हुआ आज भी हम उनके नाम से कर सकते हैं। भक्त बेटा शिष्य गुरु भगवान और पिता के मरने के बाद भी उनको जीवित रखता है और उसको देख करके अंदाजा लगा देते हैं बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, शिष्य ऐसा है तो गुरु, भक्त ऐसा है तो। आज जब इतना उत्साह है आदिनाथ जयंती पर, जिस दिन भगवान का सही में जन्म हुआ होगा तो कितना हुआ होगा ये अंदाजा लगा दें, ये आपके अंदाजे को देख कर ये अंदाजा लगा दें। ऐसा भाव कर ले कि जब आज इतना उत्साह है करोड़ों सागरों के बाद, तो जब साक्षात जीवन का जन्म हुआ होगा उस समय क्या स्थिति रही होगी, इसे देख करके उसका अनुमान लगा लें। बेटे को देखकर बाप का अनुमान लगा दें कि बेटा जब ऐसा है तो पिता, किसी तस्वीर को देख करके अंदाज लगा दें, किसी मूर्ति ऐसी बनाओ कि मूर्ति को देखकर लगा दें अंदाज, जब मूर्ति ऐसी है तो तू कैसा होगा, तेरी मूर्त इतनी सुंदर। बस ये बहुत बड़े मौके मिलते हैं, इसलिए आज प्रातः काल मैंने कहा था कल हर बच्चे को, भारत के सारे लोग सुने, कल हर बच्चा, जैसे आपका जन्मदिन होता है बच्चे का कोई का, तो कोई चॉकलेट कोई पेंसिल कुछ ना कुछ अपने स्कूलों में बांटता है, कल सारे जैनी बच्चे भारत के स्कूल जाएंगे, कोई ना कोई मिष्ठान कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाएंगे और अपनी क्लास में बांटेंगे और कहेंगे आज मेरे भगवान का जन्मदिन है, वो शुभ लक्ष्य। कल हर जैनी के, जिस स्कूल में जैनी पढ़ता है, जिस स्कूल में जैनी का बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल में जैनी के बच्चों के द्वारा कोई ना कोई गिफ्ट अपने क्लास में, स्कूल में या टीचरों को कुछ ना कुछ जरूर भेजना, आइटम भेज देना, मिष्ठान भेज देना, और बच्चे और छोटा बच्चा हो तो उस मिष्ठान के साथ एक पर्ची लगा के भेज देना कि ये है, लेकिन भेजना है, बहुत बड़ी प्रभावना है। आदिनाथ भगवान की जयंती का गिफ्ट वहां जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए। आप यदि प्रतिष्ठान जहां खुलते हो, यहां का तो नहीं खुलेगा, मैं कह तो दिया शायद, और जहां खुले तो हर ग्राहक के लिए कल कोई गिफ्ट मिलना चाहिए, बोले आज हमारे आदिनाथ, ये जो आज मैं व्यापार कर रहा हूं, बच्चे के कहे क्यों भाई आदिनाथ भगवान की जयंती गिफ्ट क्यों लाए,
तो बता देना आज जो शिक्षा जीवित है उसके मूल संस्थापक थे प्रजापति आदिनाथ। ग्राहक को कोई ना कोई गिफ्ट दो, कोई मिष्ठान दो, अपनी दुकान पे कोई मिष्ठान रख लो, कोई कुछ भी रख लीजिए भाई, क्यों इसमें आज हमारे तीर्थंकर का जन्मदिन है तो भगवान के जन्म तो बहुत सारे होते। बोले नहीं, आज जो दुनिया में व्यापार चल रहा है इस व्यापार के संस्थापक आदिनाथ भगवान थे, नहीं तो वो नहीं होते तो आज दुकान नहीं होती, व्यापार नहीं होता। एक व्यापारी अपने उपकारी का कल जन्मदिन मनाए। किसानी यदि आपकी है, अनमंडी है आपकी, तो मंडी में जाकर के कोई ना कोई गिफ्ट बांटो। सब मंडी में जो अनाज लेके आए हैं और किसानों से कहो, बोले आज क्या है, क्यों बांट रहे मिष्ठान, बोले आदिनाथ जयंती। तो इससे क्या मतलब है, आज जो तुम खेती कर रहे हो, आज जो मंडी में अनाज लाए हो, इस कृषि का उपदेश देने वाले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव आदिनाथ भगवान है। इसलिए हे किसान, तू आज मंडी में जो गाड़ी लेकर आया है, इसके परम उपकारी देवादिदेव आदिनाथ हैं। जैनी व्यक्ति यदि मंडी में है तो सारे मंडी की दुकानों पर, मंडी में आने वाले जितने भी दुकानों जो किसान आते हैं, उनको जैन मंडी की आड़त की दुकान से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। और ये कह करके कि आज जो खेती हो रही है तो किसके लिए, आज जैनी यदि किसी सेना में भर्ती है तो उसको भी संदेशा दे देना, वो कल कुछ ना कुछ आदिनाथ की जयंती अपनी सैनिक टुकड़ी में बांटेगा। बोले क्यों, बोले आज जो सैनिक हैं, आज जो देश की रक्षा करने की 80 का उपदेश है, इस सेना को उपदेश देने वाले थे आदि ब्रह्मा ऋषभ देव आदिनाथ भगवान। तो ये स्थितियां सारे भारत में, यानी जो जो कार्य कर रहा है, जो धंधा कर रहा है, जो आजीविका का साधन है, उसको सारे जगत में फैलाना है कि आदिनाथ इसके परम उपकारी ये हैं। तो जो हमारे उपकारी होते हैं महान आत्माएं, उनका हम कितना प्रचार कर सकते हैं, उनके उपकारों को हम कहाँ दुनिया में भेज सकते हैं, वह सबको भेजना चाहिए। यही आदिनाथ जयंती का सबसे बड़ा महत्व है। जुलूस आदि तो सबको निकालना ही है, लेकिन यह जो घर घर में प्रचार आप करेंगे, ये प्रचार बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। और जैन धर्म के आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने इस सृष्टि को क्या दिया है, ये दुनिया जानेगी, समझेगी और आदिनाथ की जय जयकार बोलेगी।